अभी हमारे पास एक रिको का मशीन है, आप देख पा रहे होंगे रिको का, ये मॉडल नंबर इसका 2430। और इस प्रिंटर में जो है प्रिंट आउट ऐसे आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो है लाइन लाइन दो, इसमें एक चार लाइन आ रहा है इसमें। और इसका हम प्रॉब्लम का आज सॉर्ट आउट करेंगे और दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बन रहेगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम अभी अंदर की ओर देखते हैं। मैंने इसको पहले देखा हुआ कि इसमें यहाँ पे जो प्रेशर रोलर लगा है, इसमें जो है कटिंग है, ये जो है ना चूहा काट दिया यहाँ से, और जो है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो हम इसको अभी चेंज करेंगे। हमारे पास एक दूसरा पीस है तो उसको हम लगाएंगे और आपको प्रिंट आउट करके दिखाएंगे इसका प्रिंट आउट कैसे आ रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है दूसरा पीस हमने मंगवाया है नया वाला, तो उसको हम अभी रिप्लेस करेंगे और आपको दिखाते हैं प्रिंट आउट कैसे आ रहा है इसमें। देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है अच्छी तरह से हम इसको फिट कर दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो स्क्रू हम निकाले थे इसको लगाना पड़ेगा, इसको स्क्रू फटाफट हम लगा देते हैं। अभी इसको लगा दिया है और फ्रंट कवर भी हम लगा देते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रिंट आउट करके दिखाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है लाइन का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है और लाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम इस मशीन में जो है प्रेशर रोलर की प्रॉब्लम है दोस्तों, कि इसको जो है चेंज करने के बाद में हमारा मशीन जो है अच्छी तरीके से बन चुका है। आप देख सकते हैं प्रेशर का हालत, प्रेशर रोलर का हालत क्या है, पूरे तरीके से ये डैमेज हो चुका है। इसको चेंज करने के बाद में जो है मशीन हमारा रेडी हो चुका है अच्छी तरह से। इसी तरह का मशीन आपको रिपेयरिंग कराना होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं कांकेर में अजय एंटरप्राइजेस। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए AK प्रिंटर।